अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके डिस्कस करने वाले हैं और आप लोगों के सारे मिथ क्लियर होने वाले हैं उस बीमारी को लेके, और उस बीमारी की वजह से सारी ऑटो इम्यून डिजीजेज पैदा हो रही होती हैं। गट हेल्थ, ठीक है, आंतों की जौन सी सोजिश, आंतों में सुराख हो जाना, लीकी गट हो जाना, सीबो, सिलिक डिजीज़, ये सारी की सारी जौन सी बीमारियाँ हैं, ये शुरुआत होती हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ की। और इसमें गलत फहमी लोगों को पाई जा रही होती है कि हम लोगों को इस बीमारी में शायद ये चीज़ें खानी हैं। और मैं चैनल पे लोग मेरे साथ जो चल रहे हैं इस बीमारी से रिलेटेड, कोई 10 इस टाइम पे लोग हैं जिनको ये इशू है, और भी बहुत से लोग हैं जिनके क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लेकिन 10 के साथ जो सा मेरी कम्युनिकेशन इन लोगों के साथ एट अ टाइम हो रही है, तो वो मैंने देखा है कि वो लोगों को कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है कि हमने अपनी इस बीमारी में खाना क्या है, गलत चीज़ हमारे लिए क्या है, सही चीज़ क्या है। तो आज के इस वीडियो में आप सब लोगों का वो सब कुछ क्लियर होने वाला है, और इसका मैं कम्बिनेशन साथ में बना रही हूँ फास्टिंग के साथ, ठीक है। अब रमज़ान चल रहा है, इससे फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि इसका कम्बिनेशन, तो अगर मैं रमज़ान के बाद भी ये वीडियो बनाती ना आप लोगों के लिए गट की हेल्थ का, कि किस तरह से हमने इसको हील करना है, लीकी गट को किस तरह से हील करना है, सीबो को किस तरह से हील करना है, तो मैंने आप लोगों को फास्टिंग उसमें ऐड करवानी थी। अब चूंकि रमज़ान है तो इससे फ़ायदा उठाते हुए कि आहिस्ता आहिस्ता आप रमज़ान में थोड़ा ऐड करेंगे फास्टिंग को, और रमज़ान के बाद भी आप लोगों ने फास्टिंग को लेके चलना है। अब वो आज मैं, और साथ में कौन सी डाइट लेंगे आप, सिर्फ फास्टिंग ही नहीं, साथ में प्लस उसके डाइट भी जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, साथ में उसका कम्बिनेशन मिलेगा, फिर ये बनेगा सही फास्ट प्रोटोकॉल जो सा है वो गट के लिए, कि आप लोगों का खाली अगर फास्ट कर लेंगे और अगर वो खुराक नहीं लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी कि इतना हील अप स्पीड अप हीलिंग उसकी नहीं होगी जितनी आप लोगों को डाइट का एडिशन ये वाला कर लेंगे तो इसकी हीलिंग यहाँ से यहाँ तक स्पीड पर पकड़ लेगी। अब इसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन हमारी होती है, जो आंत होती है, जो गुड बैक्टीरिया हैं, जो यानी कि बैक्टीरिया वो बड़ी आंत में होने चाहिए, बड़ी आंत में उनकी प्रोडक्शन होती है और वहाँ पे वो होते हैं, और वहाँ पे हमारा खाना डाइजेस्ट करवाने में, एंजाइम्स को एब्जॉर्ब करने में वो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, वो एंजाइम जो उन्होंने पैदा करने होते हैं गुड बैक्टीरिया ने वहाँ पर हमारी बड़ी आंत में। अब इसमें होता क्या है कि ये जो सारे इश्यूज मैंने आप लोगों को बीमारियां बताई हैं, इनमें जो छोटी आंत है वहाँ पे बैड बैक्टीरिया ग्रो करके होते हैं, उसकी वजह बहुत सी हो सकती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल बहुत ज़्यादा औरतें खाती हैं, एंटीबायोटिक्स आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खाई हैं, आप लोगों का लाइफस्टाइल जो उनसे है वो बुरा रहा है, आप लोग अनहेल्दी डाइट लेते रहे हैं और मूवमेंट नहीं है आप लोगों की लाइफ में, अब ये और इसके अलावा और बहुत सी रीजंस हैं जिसकी वजह से आप लोगों को गट का इशू आ सकता है। अब वो इशू आ गया है, अब उसकी वजह से क्या हुआ है, जो छोटी आंत हैं वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर गए हैं जहाँ के होने ही नहीं चाहिए बैक्टीरिया, अब वहाँ बैक्टीरिया ग्रो कर गए हैं, और आप लोग साथ में खाते जा रहे हैं सब्जियाँ, सलाद, ठीक है, जो कि क्या होते हैं हमारे प्रीबायोटिक होते हैं सलाद सब्जियाँ, अब ये हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उसका ये प्रीबायोटिक हैं और ये हमारे बैक्टीरिया का खाना होते हैं, अब वो बैड बैक्टीरिया है, आप लोग उन्हें उनका खाना प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, सब्जियाँ खा के, कच्ची सब्जियाँ, कच्चे सलाद खा के, आप लोगों ने सुना होगा जी आंतों के लिए बहुत अच्छी होती हैं ये प्रीबायोटिक होते हैं, तो हम लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं ना मेरे साथ आए हैं चैनल पे, वो लोग जी सलाद पे सलाद खा रहे हैं जी, और वही वजह बन रहे हैं उनके अंदर बैड बैक्टीरिया मज़ीद ग्रो करवाने की, हमें तो उस बैक्टीरिया को ख़त्म करना है, उन बुरे बैक्टीरिया को ख़त्म करके हमने अच्छे बैक्टीरिया ग्रो करवाने हैं, तो वो अब सब्जियों का एडिशन जो सा है वो स्पेशली कच्ची सब्जियाँ, ठीक है, वो अब आप लोगों ने जो सबसे पहला कट ऑफ करना है यहाँ पर आप लोगों ने सब्जियों का करना है, ठीक है, सब्जियाँ एक तरह से उनका खाना है। अब जो चीज़ें आप लोगों ने कट ऑफ करनी है मैं पहले वो बात कर लेती हूँ। अब इसमें सब्जी, कच्ची सब्जियाँ आ गई, पकी हुई सब्जियाँ भी आप लोग अगर लिमिटेड कर देंगे ना एक महीने के लिए, आपने एक महीने के लिए इसके मुताबिक चलना है, जो मैं वीडियो में सारी डिटेल बताऊँगी इसके मुताबिक आपने अपनी डाइट वगैरह करनी है और सारा अपना प्रोटोकॉल करना है, आप देखेंगे किस तरह से स्पीड से हीलिंग की तरफ आएगा। उसके बाद जब आपने एडिशन सब्जियों का इसमें करना है तो आपने कच्ची तब भी नहीं खानी है, आपने कुक करके जो है ना उन सब्जियों को थोड़ा थोड़ा करके उसमें ऐड करना है और फिर आप अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे, ठीक है, फिर सलाद थोड़ा थोड़ा करके सलाद की तरफ चले जाइएगा और सलाद भी जो उनसे हार्ड किस्म के ना हो। अब रोकना क्या है, आपने फर्स्ट नंबर पे अपने सलाद रोकने हैं, अपनी सब्जियां रोकनी हैं, वो आप लोगों ने नहीं खानी है अपनी इस डाइट में। उसके बाद आप लोगों ने अपना दूध छोड़ना है, उसके बाद आप लोगों ने गंदम छोड़नी है, अपनी मैदा छोड़ना है, जो ये चक्की दूसरा आटा होता है रिफाइंड फ्लोर होता है वो छोड़ना है, रोटी और आटों को कम करना है आप लोगों ने, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इसमें
ग्लूटेन पाया जाता है आटे में, वो जाके वो उसको इरिटेट कर रहा होता है, वो डाइजेस्टेबल नहीं हो रहा होता, अंदर पहले ही खराबी हुई हुई है, तो वो फिर इशू बन रहा होता है आप लोगों को लीकी गट का। क्या होता है कि ये इसकी जो प्रोटीन होती है वो आंतों में क्या हो गया हुआ है, सुराख हो गए हैं, या एक तरह से आप कह लें कि ये टाइट होती हैं, उसकी अंदर जो इनर वॉल होती है ना जो गट की, वो बिल्कुल टाइट होती है। जब ये इशू बन जाते हैं तो जो उसकी वो लूज़ हो जाती है, उसकी अंदर जो सेल्स होते हैं, उसकी वॉल्स होती हैं, वो लूज़ हो जाती हैं। अब उसमें जो सुराख हो गए हुए हैं, वहाँ से वो जो खाना आप लोगों का जो वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, प्रोटीन जैसे ग्लूटेन वगैरह है, वो वहाँ से वैसे का वैसा ब्लड स्ट्रीम में जाना शुरू हो जाता है, और फिर उससे वहाँ से आपको रैशेज और एलर्जीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब जिनको कॉन्स्टिपेशन रह रही है, ठीक है जी, अब उनका नाम नहीं मुझे याद है कि आप लोगों ने मुझे बताया था कि मेरे रैशेज पड़ रहे हैं, मेरे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है और रैशेज मुझे आ रहे हैं, तो कमेंट्स में ये आया था। तो आप लोग, आपकी क्या रीज़न है कि आप लीकी गट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आपके जो ये रैशेज पड़ने का ये मतलब हो रहा होता है कि आपका जो खाना जिस्म का अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, जिस्म का हिस्सा नहीं बन पा रहा है, और वो उसमें से लीक हो रहा है, आपके जो गट है उसकी आंतों में से वो लीक हो रहा है, और वो जाके एलर्जीज दे रहे हैं, अंडों से एलर्जीज लोगों को हो रही होती हैं, ठीक है। अब लेकिन अंडे आप लोगों ने बंद नहीं करने हैं, जो बंद करना है आप लोगों ने, सब्जियां वगैरह आप लोगों ने बंद करनी है, गंदम बंद करनी है, ग्लूटेन उसका होता है, और दूध बंद करना है। अब डेयरी में आपने सारी डेयरी बंद नहीं करनी है, उसमें आप लोगों ने दूध को और चीज़ को, ये दो चीज़ें आप लोगों ने बंद करनी है, ठीक है। इसका इसका प्रोटीन पे जो उनसे है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो भी जाके इशू बना रहा होता है एलर्जीज वगैरह का, और लीकी गट का मज़ीद इशू बन रहा होता है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें रोकनी है। बाकी इसमें आप दही, मक्खन, देसी घी, ये आप लोगों ने कंटिन्यू रखना है, ये आप लोगों ने ज़रूर खाना है, बल्कि जो नहीं भी ऐड किया हुआ जिन लोगों ने, उन्होंने भी इन चीज़ों को ऐड करना है इसमें। ये बात होगी। अब फास्टिंग जोन सी है, आप लोगों ने रमज़ान में, तो रमज़ान के मुताबिक आप लोग चलेंगे, फास्टिंग करेंगे, रमज़ान के बाद आप लोगों ने कोशिश करनी है लंबा खींचना है अपने फास्ट को, ठीक है। लंबा कितना, 17 घंटे तक आप लोगों ने लेके जाना है। अब इसमें आप लोगों ने बिल्कुल फाका नहीं करना, आप लोगों ने इसमें थोड़ा थोड़ा आपके मैं इलेक्ट्रोलाइट पूरे करवाती हूँ आपको, क्योंकि जब फास्टिंग कर रहे होते हैं ना, हमें एनर्जी के लिए कोई सोर्स तो चाहिए ना। अब मैं आप लोगों को फाके वाला फास्ट नहीं करवा रही हूँ, मैं आप लोगों को एनर्जी वाला फास्ट करा रही हूँ, जिसमें आप लोगों के एनर्जी लेवल भी ठीक रहे, आप जॉब करते हैं, आप लोग स्टडी करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, जो भी आपकी लाइफ में सारे सिलसिले चल रहे हैं, आप लोगों के एनर्जी लेवल नीचे ना आने पाए और आप लोग बेहतरी की तरफ जाएं, उसके लिए एनर्जी लेवल्स को सही रखने के लिए मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करवाऊंगी, और इसके अलावा आप लोगों को गुड फैट्स ऐड करवाऊंगी, ताकि आप लोगों का ब्रेन भी चलता रहे। ब्रेन को जो है ना, दो सोर्सेज होते हैं ब्रेन की एनर्जी के लिए, एक ग्लूकोज होता है, दूसरा जो होता है वो किटोसिस होते हैं। किटोसिस क्या होते हैं, जो फैट बर्न होने से आते हैं, जो फैट जो हम लोग खाएंगे वो बर्न होगा, उससे किटोसिस बनेंगे, वो उससे हमारा ब्रेन चलेगा, ठीक है, वो मैं आप लोगों को इसमें ऐड करवाऊंगी। अब आप लोगों ने इस तरह से करके, मैं अभी बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं वो, आप लोगों ने अपने फास्ट को लंबा खींचना है, 17 घंटे तक लेके जाना है, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग शुरू में जो है ना, एक फास्ट जो है 24 घंटे का रख लें, ठीक है। 24 घंटे का आपने अगर दोपहर को, आज दोपहर को खाना खाया, तो अगले दोपहर को आप लोग अपना फास्ट तोड़ेंगे। इस दौरान आप लोग एनर्जी के लिए मैं जो चीज़ें बताऊँगी ये आप लोगों ने ऐड उसमें करते रहना है, और उससे आप लोगों का क्या होगा कि आपको एनर्जी लेवल डाउन नहीं जाएंगे, लेकिन आपके एनर्जी लेवल अप आएंगे। वो किस तरह से, वो आपके जो गट के अंदर जो माइक्रोबायोम है, जो आप लोगों के बैक्टीरिया हैं, वो चेंज हो जाएंगे, उनकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी, जो छोटी आंत में हैं वो ख़त्म होने की तरफ जाएंगे, और जो गुड बैक्टीरिया हैं वो अल्टर होंगे, ठीक है ना, अल्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया आप कह लें कि वहाँ पर हो पाएगी, तो वो चेंज आएगा आपके इस 24 घंटे के फास्ट से। ये बूस्ट देगा आप लोगों के इसके, ये फास्टिंग जो है वो गट की हेल्थ को ऐसे ऊपर लेके जाएगा। तो लेकिन ये ज़बरदस्ती नहीं है, आप लोगों ने, इसीलिए कह रही हूँ, मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाने का सोचा कि मैं रमज़ान में इन लोगों को जो है रमज़ान, और कुछ लोग रोज़े भी नहीं रख रहे हैं, ठीक है, और आप लोग जो गट के से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिन लोगों को, प्लीज़ आप लोग, मैंने आप लोगों से बात भी की थी, तो मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोग फास्टिंग की तरफ आएँ, आप लोग अपना रोज़ा मत छोड़ें, अपना रोज़ा रखें, ठीक है, ये हील करने में मदद करेगा। तो आप लोगों ने अपनी हीलिंग करनी है फास्टिंग के थ्रू, तो आप लोग रमज़ान का भी रखें रोज़ा, उसके बाद आप लोग थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते जाएंगे अपना, एक दिन एक घंटा बढ़ा दिया, और आप लोग खुद देखेंगे आपको एनर्जी लेवल मिलेंगे, और आप लोग दूसरे दिन 2 घंटे, तीसरे दिन 3 घंटे, फिर एक फास्ट आप लोगों ने 24 घंटे का रखना है, ठीक है। अगर आप लोगों का नहीं इशू, तब भी आप लोगों को लगा कि नहीं अभी भी सही तरह से सॉल्व हो रहा है, अभी भी वही प्रेशर है, वही उतनी एक्सट्रीम हद तक ही आपका है, तो आप लोगों ने फिर अगले हफ्ते भी एक 24 घंटे का फास्ट रख लेना है। इस तरह से करके एक दो फास्ट
आप लोगों ने 24 घंटे के ऐड करने हैं इसमें। तो अब आप लोगों ने सबसे पहले मैं बात कर लूँगी एनर्जी लेवल के लिए, आप लोगों ने फास्टिंग के दौरान कौन सा एनर्जी लेवल लेना है, और उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग आप लोगों ने खाना क्या खाना है इसके साथ, इस फास्ट के साथ। मैंने कहा है कि आपने स्पेसिफिक किस्म की साथ में डाइट लेनी है, वो मैं बात करूँगी बाद में। पहले हम बात करते हैं कि आप लोगों ने एनर्जी लेवल के लिए इलेक्ट्रोलाइट अपने पूरे करने हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या आ जाता है, आपके जो उनसे मॉर्निंग ड्रिंक आप लोगों ने जो मैंने बताया हुआ है, जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ चैनल पे हैं उनको मैं बताती जाऊँ कि आप लोगों ने सुबह उठते ही अपना 2 ग्लास पानी लेना है और साथ में 1 लीमू डालना है, 1 से 1.5 लीमू आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, और छोटा आधा चम्मच आप लोगों ने हिमालयन पिंक साल्ट डालना है, उसमें 2 से 3 कतरे आप लोगों ने एप्पल साइडर विनीगर डालना है। ये आप लोगों का मॉर्निंग ड्रिंक बन जाएगा और ये आपके इलेक्ट्रोलाइट बन जाएंगे जो आपको 5-6 घंटे के लिए एनर्जी देंगे, और इस पानी को सिप बाय सिप करके आपने वो यूज़ करना है, ठीक है ये। और इसमें क्या है, मैंने लेमन आपने 1 से 1.5 से 2 भी तक भी ले जाना है आप लोगों ने लीमू को आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। पहले आप लोगों ने हाफ, आपको लूज मोशन अगर आ जाते हैं पीने से, आप पीते हैं ये वाला मॉर्निंग ड्रिंक अव्वल तो नहीं आएंगे, तो आपने क्या करना है, आपने आधे लीमू से, बल्कि आप शुरू ही आधे लीमू से करिएगा, पहले दिन से आप आधा लीमू पे आएंगे, फिर अगले दिन आप लोगों ने तीसरा हिस्सा यानी कि 4 हिस्से होते हैं लेमन के, 2 हिस्से ले लिए, फिर तीसरे दिन आप लोग दूसरे दिन आप लोगों ने वो 3 हिस्से ले लिए, चौथे दिन आपने पूरा लेमन ले लिया, उसके बाद फिर हाफ हिस्सा, एक हिस्सा और ऐड कर दिया अगले लेमन का, फिर दूसरा हिस्सा ऐड कर दिया, तो 1.5 लेमन बन जाएगा। इस तरह से करके फिर आप लोगों ने ऐसा ऐसा एडिशन करते जाना है लीमू का, और ये मैं करवा रही हूँ विटामिन सी को पूरा करने के लिए। विटामिन सी, अब जो मैं आप लोगों को दूसरी डाइट बताने वाली हूँ उसमें मैंने वेजिटेबल्स तो आप लोगों को बंद कर दी हैं कि वेजिटेबल्स आप लोगों ने नहीं लेनी है, तो विटामिन सी मैं आप लोगों का कहाँ से पूरा करवाऊँ। विटामिन सी जो है और वो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप लोगों ने सप्लीमेंट को, इसमें कोई सप्लीमेंट नहीं लेना, ठीक है, सिवाय विटामिन डी के, मैंने एक सप्लीमेंट आप लोगों को बताती होती हूँ, विटामिन डी लेना है, विटामिन D3, उसके लिए आप लोग मेरा वीडियो विटामिन D3 डोज वाला देख लीजिएगा, वो आप लोगों ने रूटीन में आप लोगों ने वो लेके चलना है अपना, ठीक है, वो उसमें कंप्लीट डिटेल है, कब किस टाइम कितना किसने कितना खाना है, वो सब डिटेल उसके अंदर है। आप लोगों ने, अब इसमें आप लोगों ने कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है। अब विटामिन सी में आप लोगों का, सब्जियां तो मैंने ही आप लोगों को खिला रही हूँ, तो मैंने विटामिन सी कहाँ से पूरा कराना है, ये मैं आप लोगों का विटामिन सी पूरा करा रही हूँ, क्योंकि विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। जो अंदर लाइनिंग सारी ख़राब हुई हुई है, जो अंदर जख्म आंतों में आए हुए हैं, जो कट लगे हुए हैं, जो सुराख बने हुए हैं, जो मैंने कहा था कि टाइट नहीं है कंजंक्शन, अब इस तरह से हो गया हुआ है, इन सुराखों को हील करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो कॉलेजन है, जो आप लोगों को मैंने डाइट ऐड करवानी है उसमें कॉलेजन ऐड करवाना है, तो उस कॉलेजन को भी एब्जॉर्ब होने के लिए जिस्म के अंदर विटामिन सी चाहिए। अगर विटामिन सी नहीं होगा, आप ये नींबू पानी नहीं पियेंगे, तो आप मेरी वो वाली डाइट से भी फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो आपका जो कॉलेजन होगा वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी के अंदर जब तक विटामिन सी आपके जिस्म के अंदर मौजूद नहीं होगा। ये इससे डबल गेम चल रही है, एक तो आपके इलेक्ट्रोलाइट पूरे हो रहे हैं, आपको एनर्जी लेवल दे रहा है ये वाला पानी, दूसरा आपको आपके जो कॉलेजन और जो सारी अब्जॉर्प्शन मैंने न्यूट्रिएंट्स की करवानी है उसके लिए मुझे विटामिन सी चाहिए कि अंदर इनको विटामिन सी देना है, तो वो मैं सप्लीमेंट सिंथेसाइज फॉर्म में होते हैं, आप लोगों ने सप्लीमेंट नहीं लेना है, वो बल्कि उल्टा और मजीद खराबी करेंगे आप लोगों को सही की तरफ ले जाने की बजाय। तो आप लोग विटामिन सी के लिए लीमू का यूज़ करेंगे और ये मदद करेगा आपको हील अप करने में, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रो एनर्जी लेवल भी आप लोगों को देगा। ये दिन में आप हाफ हाफ बेशक इसको करके ना, अगर 2 लीमू मैंने कहा है तो 1 लीमू सुबह पी लिया, 1 शाम को पी लिया, इस तरह से करके आप लोगों ने अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए, अगर आप लोगों ने 2 लीमू ही सुबह मॉर्निंग में आप लोगों ने पी लिए हैं तो वो तब भी ठीक है। उसके बाद 5-6 घंटे तक आपका वो टाइम निकलेगा, 5-6 घंटे के बाद आप लोगों ने जो चाय होती है ब्लैक वाली, ठीक है ना, कॉफ़ी नहीं पीनी है आप लोगों ने, ब्लैक जो चाय होती है वो आपने लेनी है, उसमें जो आम जो पत्ती होती है चाय की ब्लैक, उसका कहवा बनाना है मग भर के, आप लोगों ने पत्ती को ज़रा नॉर्मल रखिएगा, आधे चम्मच रखिएगा, ठीक है, ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनानी है, आधा चम्मच आप लोगों ने वो पत्ती का करके वो चाय बना लेनी है मग, उसके अंदर आप लोगों ने डालना है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, ठीक है, और आप लोगों ने पहले दिन आप लोगों ने 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डाल लीजिएगा, दूसरे दिन आप लोगों ने 1/2 चम्मच इसमें मक्खन डाल लेना है, ठीक है, मक्खन या देसी घी वो आपने इसमें डाल लेना है, उसके बाद अगले दिन फिर 1/2 चम्मच और बढ़ा देना मक्खन देसी घी का, यानी कि आप लोगों ने 1 चम्मच लेना है कोकोनट ऑयल और 1 चम्मच मक्खन या देसी घी आप लोग लेंगे, वो कोकोनट ऑयल हजम शुदा होता है, उसको डाइजेस्ट करने में मसला नहीं होगा, जो आंतों वाले ये जो इशू है लीकी गट वाले लोगों को, ये भी उसे डाइजेस्ट कर पाएंगे। आप लोगों ने पहले उसको इससे कोकोनट ऑयल से स्टार्ट करना है, अगले दिन आप लोगों ने आहिस्ता
आहिस्ता आहिस्ता करके एक चम्मच आप लोगों ने ऐड कर लेना है उसका। और जब आप फास्टिंग कर रहे होंगे साथ में ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक पी रहे होंगे, आपके एनर्जी लेवल ठीक होते जाएंगे और डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा सारा, ठीक है। इशू नहीं होगा आप लोगों को, लूज मोशन वगैरह का इशू नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों ने दो चम्मच ये आप लोगों ने गुड फैट ले लेने हैं, ये आप लोगों को 5-6 घंटे के लिए ये आपको फिल रखेगी। उसके बाद आप लोगों को अगर एनर्जी लेवल आप लोगों को फील होते हैं, अब ये 17 घंटे के लिए आपके दौरान ये वाला इतनी चीज़ सफिशेंट होगी। 17 घंटे आप पूरे, मैंने कहा है कि रमज़ान के बाद आप लोगों ने 17 घंटे से शुरू करना है। 17 घंटे आप लोगों के रात के खाने से लेके सुबह तक आप लोगों ने, जब आप अपना फर्स्ट मील लेंगे यानी कि दोपहर को जाकर आपका फर्स्ट मील बनेगा, तो वो उस दौरान तक ही आपको एनर्जी लेवल दे देगा। जिस दिन 24 घंटे का एक दिन करना होगा उस दिन आप इन चीज़ों को डबल कर दीजिएगा ना, यानी कि पहले आप लोगों ने लेमन वाटर पिया, फिर आपने वो अपनी ये चाय पी है मक्खन देसी घी के साथ कोकोनट ऑयल के साथ, फिर आप लोग जो सा इसको, इस चाय को 2 मरतबा कर लीजिएगा और लेमन वाटर को भी 2 मरतबा कर लीजिएगा। ये आपको 24 घंटे के लिए आपके इलेक्ट्रोलाइट भी पूरे करा देगा, आपको एनर्जी लेवल भी दे देगा, आपका बीपी लो नहीं होने पाएगा, आपका ब्रेन फोग नहीं होने पाएगा, ये सारा इस तरह से आपका सीधा करेगा। ये 24 घंटे के लिए आपने ये एडिशन करनी है, ठीक है। और ये 17 घंटे के लिए वन टाइम ही काफ़ी होगा। 17 घंटे के दौरान आप खुद देखेंगे कि आपके 17 घंटे ईजिली गुजर जाएंगे इन दो चीज़ों को लेके। ये हो जाएगा आपका। उसके बाद बात होगी अब ये फास्ट की, ठीक है। इस दौरान अब फास्ट तोड़ना किससे है, आप लोगों ने खाना क्या है फास्ट के बाद, आप लोगों का जो पहला होना चाहिए मील फास्ट के बाद वो होना चाहिए बोन ब्रॉथ, ठीक है। वो जो रेड मीट, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, अगर बड़ा गोश्त ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बड़ा गोश्त हड्डी वाला लेके उसकी आप यखनी बनाएंगे। बोटी आप लोगों ने नहीं खानी है, आपने उसका सिर्फ जिसमें मिक्स भी होती है वो वाली हड्डियाँ आप ले लीजिएगा ज़्यादा, उसका आपने यखनी बना के उसमें नमक काली मिर्च वगैरह आप डाल के, अदरक लहसुन डाल के अच्छी सी करके वो यखनी बना सकते हैं। और उसको आप लोगों ने उस अपना फास्ट उस यखनी से तोड़ना है आप लोगों ने, ठीक है। वो उसमें क्या होता है, उसमें ग्लाइसिन होता है। ग्लाइसिन क्या करता है, ये जो कंजक्शन आया हुआ है, जो ये सुराख आए हुए हैं, इसको टाइट करने में, हील अप करने में मदद करेगा, ठीक है। और देखें इतना अच्छा फास्ट के थ्रू हो रहा होगा, आधा काम उधर हो गया होगा, आधा काम जो उनसे ग्लाइसिन ने करना है, यहाँ पे वो इसको वो करने के लिए, हील करने के लिए वो मदद करेगा वहाँ पर। तो वो इसमें बोन ब्रॉथ में शामिल है। इसके अलावा सारे न्यूट्रेंट्स इसमें, मिनरल्स इसमें, वाइटामिन शामिल हैं, क्योंकि आप लोगों को अब जिनका लीकी गट हो गया होता है इनको ये सारे न्यूट्रेंट्स अब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते हैं, तो इसमें जिंक, कॉपर की डेफिशिएंसी, सारे न्यूट्रेंट्स की डेफिशिएंसी हो रही होती है, और इसमें के वो पाए जाएंगे यहाँ से, आपको कुछ मिकदार में यहाँ से मिल जाएंगे। आप लोगों ने इसका एडिशन रखना है। अब पीना कितना, 1 से 2 कप मग आप लोग पी सकते हैं, ठीक है। और गर्म ना पीजिएगा, अब आगे गर्मी आ रही है तो आप लोगों ने इसे यानी कि नॉर्मल जो होता है जिस तरह पानी पीते हैं उस तरह से पियेंगे तो आप लोगों को वो अंदर गर्म नहीं करेगा सारा, ठीक है। ये आप लोगों ने यूज़ कर लेना है अपना, तो इससे वो आप लोगों की हीलिंग स्पीड अप हो जाएगी। उसके बाद अब जो मेरे इंडियन यहाँ पे लोग हैं मेरे साथ जो वेजिटेरियन है, प्लीज़ आप लोगों को ये अपना लाइफस्टाइल चेंज इस तरह से गट को ठीक करने के लिए करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका इसके अलावा ग्लाइसिन किसी और सब्जी में या उसमें सब्जियां तो उल्टा इशू कर रही हैं, तो उसमें तो कहीं से नहीं मिलेगा, इसका सोर्स और कहीं नहीं है। और जो सप्लीमेंट्स की तरफ जाएंगे तो सप्लीमेंट जो उनसे हैं और सिंथेसाइज फार्म में होते हैं, आपको लॉन्ग टर्म में जाके और इशू करेंगे। तो आपने बोटी ना खाएं, आप लोगों को मैं यखनी, पहले यखनी ही पीने को कह रही हूँ, तो आप बोटी ना खाएं, आप लोग यखनी पी लें, ठीक है। उसके बाद अंडों से आप लोग अपना स्टार्टअप ले लें। तो प्लीज़ आप लोग जो उनसे ना थोड़ा सा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके एक दवाई समझ के ये चीज़ों को यूज़ करें, ठीक है। तो आप लोगों ने भी ये यखनी ही पीनी है। तो उसके बाद आप लोगों ने अपना जो सा 1 घंटा निकल जाएगा आप लोगों का, तो उसके बाद आप लोगों ने अपना खाना जो खाना होगा उसमें आप लोगों ने 17 घंटे के बाद जो मील होगा आप लोगों ने एक बोन ब्रॉथ ले लीजिएगा, साथ में आप लोग अपने अंडे ले लीजिएगा, ठीक है। दो पहले 1 अंडे से शुरू करिएगा। अब उसमें आप लोगों ने थोड़ी सी वेजिटेबल अब किस फॉर्म में ले लेनी है, थोड़ी सी पालक उसमें ऐड कर लेनी है, प्याज ऐड कर लेना, प्याज लाजमी कर लीजिएगा थोड़ा ऐड, उसमें थोड़ी सी मेथी ऐड कर लीजिएगा और मसाले वगैरह उसमें डाल के अच्छा सा करके आप अपना वो बना लेंगे ऑमलेट, ठीक है। अंडों से आप लोग वो करेंगे, इसमें अंडे लेंगे ऐड करेंगे, और उसके बाद आप लोग इसमें जो अपना ये आपका फर्स्ट मील हो जाएगा, जो सेकंड मील में आपने लेके जाना होगा उसमें आप लोग अपना खाने में क्या एडिशन करने हैं, आप लोगों ने रेड मीट ऐड करना है,
उसको पका के यानी कि सालन की फॉर्म में आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं, या उसका शामी बना लें वो सबसे बेस्ट रह जाता है। उसमें थोड़ी दाल डाल के शामी बना लीजिएगा, ठीक है। मटन के या बीफ के शामी आप यूज़ कर लीजिएगा, चिकन के भी कर सकते हैं, इसमें मटन बीफ ज़्यादा वो बेहतर रहेगा। उसके बाद आप चिकन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, फ़िश भी सर्दियों में वो आ जाती है। यहाँ पर आप लोग रेड मीट और चिकन को ही आप लोग अपना डिशन रखेंगे, अंडा हो जाएगा उसमें, ये जो वेजिटेबल आपको बताई हैं वो आप डाल के प्लस आप लोग अपने शामी वगैरह से करके साथ में आप लोग दही ले लेंगे। अब दही में आप लोगों ने पुदीने की धनिए की चटनी बना के वो उसको आप लोगों ने गर्म वो पिया होगा, बोन ब्रॉथ भी और ये भी, गोश्त भी आपको एसिडिक थोड़ा होता है तो, लेकिन हील अप इन चीज़ों ने करना है, ये मजबूरी है हमारी, हमने इसी तरह से इनको खाना है। तो ये अब क्योंकि जो गोश्त रेड मीट है इसमें अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे गट को आगे से दोबारा से अब गट को हील करने के लिए साथ में और बहुत सी अंदर मशीनें लगी होती हैं और बहुत से सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। टी रेगुलेटरी सेल होते हैं हमारे एक, वो ऑटोइम्यून डिजीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं टी रेगुलेटरी सेल। अब क्या होता है वो भी उनका सिस्टम भी ख़राब हो गया होता है जब आप लोग, इसीलिए जब आप लोग कोई सब्ज़ी वगैरह या कुछ कोई चीज़ भी खाते हैं, आप लोग दूध पीते हैं या ग्लूटेन खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, तो वो अंदर से टी रेगुलेटरी सेल जो उनसे हैं उनको सिग्नल जाता है, बॉडी सिग्नल देती है कि भाई जो उनसे ऑक्सीलेट आ गए हैं, टॉक्सिन आ गए हैं, तो वो फिर सुपर एक्टिव हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, वो फिर इस वजह से आपको एलर्जी कर रहे होते हैं फौरन। वो ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होता है कि एंटीबॉडीज बनती हैं और अपने ही जिस्म के खिलाफ अटैक करना शुरू कर देती हैं। अब वो वहाँ पर टी रेगुलेटरी सेल बजाए कि उसको अच्छा, वो मैंने कहा है कि ये हमारी हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा, हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी इम्यूनिटी के लिए, अब यहाँ पर ये उल्टा काम कर रहे हैं, ये अटैक करना शुरू कर देते हैं और वो फिर एलर्जीज जिस्म से वो ब्लड में स्ट्रीम में जाना शुरू हो जाता है हमारा खाना, और वहाँ पे वो फिर एलर्जीज बन रही होती हैं, इस वजह से रैशेज आ रहे होते हैं। तो वो इन टी रेगुलेटरी सेल्स को सही करने के लिए, इनको जो बिगाड़ आया हुआ है उसके लिए आप लोगों को अमीनो एसिड चाहिए। वो अब कहाँ से मिलेंगे आपको? वो रेड मीट से मिलेंगे आपको, मटन से मिलेंगे। यहाँ से हम लोगों ने अपने वो अमीनो एसिड पूरे करके उन टी सेल्स को भी सीधा करना है, ठीक है। गट को तो हमने ग्लाइसिन से सीधा कर दिया यखनी में जो पाया जा रहा है, अब टी सेल्स को सीधा करने के लिए आप लोगों को रेड मीट यूज़ करना पड़ेगा। अब उस गोश्त से जो है वो उन्होंने सीधा होना है, तो वो टी रेगुलेटरी जब सीधे होंगे तब स्पीड अप आपकी वो बनेगा गट हीलिंग के लिए, सिबो के लिए, सारे प्रॉब्लम्स के लिए, वो स्पीड से वो ये सारे इश्यूज ठीक होंगे। ये हो गया आपका खाना। उसके बाद मैंने आपको कहा है कि आप लोग ग्रीन जोन सा है ना ये ऐड करेंगे इसमें, पुदीना और धनिया वगैरह, ताकि ये कूलिंग इफेक्ट भी दे और आपके वो क्लोरोफिल और अल्कलाइन आपकी बॉडी को कर दे, एक तरह से आप ये कह लें। एक तो मैं अल्कलाइन वो लेमन वाटर से आप लोगों को करा रही हूँ, दूसरा अल्कलाइन मैं आपको करा रही हूँ कि ये आप लोग पुदीना धनिया वगैरह की चटनी यूज़ कर लें। पुदीना को वैसे चबा के साथ में पत्ते आप लोग खा जाइएगा, वो आपको क्या करेंगे अल्कलाइन आपकी बॉडी को कर देंगे और एनर्जी भी देंगे, क्लोरोफिल भी मिल जाएगा जो कि ये लीकी गट को करने में मदद करेगा, क्योंकि हम लोग दूसरी सब्जियां तो नहीं अभी ले रहे हैं। फिर आपने बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें एडिशन थोड़ा कर देना है। अगर आप इसके साथ अगर थोड़ा कम्बिनेशन रखना चाहेंगे ना कि थोड़ा सा फाइबर का, वो फ्रूट आप थोड़ा सा ले सकते हैं, ठीक है, सब्जियां नहीं, फ्रूट आप इसमें थोड़ा सा ले सकते हैं। वो इसमें केला थोड़ा सा ले लें, सेब थोड़ा सा ले लें, अमरूद थोड़ा सा ले लें, थोड़ी सी इतनी सी फ्रूट चाट आप लोग बना के वो साथ में अपने खाने के आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। दही हो जाएगा साथ में, शामी हो जाएगा। अब इसमें कोई रोटी नहीं है, कोई चावल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाद में थोड़ा एडिशन राइस का कर लीजिएगा और उसके बाद जब हील अप हो जाएंगे फिर आप लोग रोटी की तरफ जाएंगे, तो आप लोगों ने और जो के आटे की रोटी आप लोग खा सकेंगे बाद में। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा क्या कर लेना है, इसके साथ फ्रूट को ऐड कर लेना है, तो वो भी खाने के साथ ही करिएगा जब खाना खाएंगे। तो ये अब चीज़ें आपको सारा प्रोटोकॉल देंगी, और साथ में आप आहिस्ता आहिस्ता करके जब फिर खाना खाने लगेंगे थोड़ा थोड़ा करके एप्पल साइडर विनीगर को खाने के साथ भी लेना है। तो मैंने सुबह ऐड करवाया ना उसमें 2 से 3 कतरे, अब यहाँ पे फिर आप लोगों ने एप्पल साइडर विनीगर थोड़ा सा लेना है खाना खाने से पहले, आधा ग्लास पानी में आपने छोटा जो सा है चम्मच फोर्थ पार्ट से शुरू करेंगे, फिर आधे हिस्से तक ले आइएगा, आधा छोटे चम्मच तक ले आइएगा, पानी में मिक्स करके पिया करें। आप मेरा एप्पल साइडर विनेगर का वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने तरीका बताया हुआ है किस तरह से ये पानी बनाने हैं, किस तरह से पीना है, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट पीते हैं उससे सारी नाली आप लोगों की जल रही होती है और वो क्योंकि गलत तरीके से पी रहे हैं ना, तो आप लोग उस वीडियो को भी फॉलो कर लीजिएगा। आई होप ये डिटेल थी आप लोगों के लिए, और ये प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।